हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज हम हैं गोवर्धन में, गोवर्धन जी में। यहाँ पे आए थे हम गिरिराज जी महाराज के ढोकने और यहाँ से अब निकलेंगे। हमारी गाड़ी में पंचर हो गया है। लास्ट लोग में बताया था कि उसमें स्टार्ट भी नहीं होती, तो धक्का देके स्टार्ट कर लिया हमें। पंचर हो गया तो उसका पंचर निकलवाते हैं और फिर जाएंगे हम यहाँ से प्रेम मंदिर। तो पहले भाई लेके गया गाड़ी पंचर के लिए, पंचर बनवा के फिर जाएंगे यहाँ। देखते पहले, क्योंकि अभी हम सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह से सिर्फ परिक्रमा में लगे हुए थे, तो अब भूख लगी है। पहले खाएंगे और खा पी के फिर निकलेंगे यहाँ से आगे, फिर बनाते आगे का प्लान। गाड़ी कहाँ ले गया? सो गाइस, अपनी गाड़ी का पंचर शायद हो गया, बन गया। और अभी हमने कुछ नाश्ता भी कर लिया है, फिर निकलते हैं यहाँ से। पानी की बोतल लेता हूँ पहले, फिर निकलता हूँ। सो गाइस, अब हम गोवर्धन से निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। और यहाँ से वृंदावन शायद 30 किलोमीटर है और हमें लगा करीब 40-45 मिनट। तो मिलते हैं आपको वृंदावन में। सो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन। ये लिखा हुआ जी मेरो वृंदावन। और भाई यहाँ पे कोई बत्ती वत्ती नहीं होती है। ब्रिज की नगरी में आपका स्वागत है, मेरो वृंदावन। हम आ गए हैं कार पार्किंग में और यहाँ करते हैं गाड़ी पार्क और फिर चलेंगे। हम निकल चुके हैं मंदिर की तरफ, हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और यहाँ से करीब मंदिर होगा 500 मीटर दूर। और ये देखो, ये निकल के जा रहे बाहर। इन गाड़ियों को अलाउ है क्योंकि ये लोकल है शायद बंदे, और हमें अलाउ नहीं किया गया तो हमने उधर ही पार्क की और हमें चलना पड़ रहा पैदल। एक तो हम परिक्रमा करते करते थक गए थे और फिर थक रहे हैं। सो चलते हैं मंदिर में। सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूं प्रेम मंदिर। पहले भी आया था, उसका भी ब्लॉग मेरे चलने पड़ा होगा, देख लेना। वो रात का था और ये है दिन का। तो हम आपको दिन में दिखा देते हैं कि दिन का कैसे लगता प्रेम मंदिर। इधर आ जरा। हाँ, वो बंदर है, बंदर डांस करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस, ये दिन में बाहर से ये ऐसा लगता है और बहुत प्यारा मंदिर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो ये प्रेम मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर भाई। आओ आप भी और वृंदावन में प्रेम मंदिर के मजे लीजिए। तो हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से देखते हैं अभी चलते क्या सीन है। मैंने मैं शूज़ उतारना भूल गया था और शूज़ उतारना भूल गया था। अभी देखो क्या होता है शूज़ के लिए। शूज़ अलाउ है क्या? शूज़ अलाउ है तो देखते हैं। सो गाइस, आ चुका हूँ मैं, एंट्री कर चुका हूँ। हमने एंट्री यहाँ से ली थी और एंट्री लेके मैं अंदर आ चुका हूँ इसमें मंदिर में। और देखो गाइस, बहुत बहुत सुंदर मंदिर। और ये इस साइड, ये शायद रात में चलता है, अभी तो शायद चल नहीं रहा है। रात में जरूर चलता है, रात का तो मुझे पता है क्योंकि मेरे व्लॉग में देख लेना, क्योंकि ये चल रहा था रात में। बहुत सही, बहुत सुंदर मंदिर है भाई वृंदावन का प्रेम मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर। और इसमें बंदर नहा रहे हैं। हाँ, इसमें शायद बंदर नहा रहे हैं। ये रहे, देख आनंद। ये लो जी, ये है कालियानाथ और ये है कृष्ण जी। और ये झरना तो चल रहा है, देखो
बहुत सही। ये हंस का जोड़ा, ना हंस है सारे, जोड़ा क्या ये, और इन पर खेल रहे भी बंदर। हाँ ये देखो ये खेल रहे बंदर। रात में ये नाग चलता है, इसमें से पानी भी निकलता है सांप के इसमें से। हाँ और हम चलते हैं उधर, यहाँ से कुछ लेते हैं पिक्स, फिर चलते हैं उस साइड। और गाइस इसकी दूसरी साइड ये है, बहुत सही सा पार्क बना रखा है। और ये गोपियाँ और ये कृष्ण जी, बहुत सही। अब उस साइड चलेंगे, पहले इसका परिक्रमा लेंगे फिर उस साइड अपन चलेंगे। सो गाइस हम जा रहे हैं आगे की साइड। और ये देखो ये वाली बहुत सुंदर है, और इस साइड से जाएंगे हम। और ये झरना, झरना बह रहा है यहाँ पे। और ये हंस कहाँ बह रहा झरना, ये रहा। ये देखो बहुत सुंदर, चले गाइस। मैंने ये रात में दिखाया था, अब ये दिन में देखिए, दिन में बहुत सही लग रहा और सही से दिख भी रहा है। उस दिन रात में नहीं दिख पा रहे ढंग से और जल्दी कर रहे थे गाड़ साफ निकालने के लिए। तो ये जी गाय, गाय चराने आए हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर। और ये है पीछे से मंदिर का लुक, ये पीछे का हिस्सा था। चल और पूरे में ही है बढ़िया बढ़िया, ये जी बढ़िया ही सजा रखा, बढ़िया ही बना रखा। ये दोनों कृष्ण जी और बलराम जी। सो आगे की साइड चलो। गाइस ये है पंचायत, ये कृष्ण जी पंचायत कर रहे हैं। हाँ तो ये देखना, दिखाता हूँ आपको जूम करके। सो चलिए आगे आगे चलते हैं। अब बहुत पब्लिक आ रही है, बहुत ज़्यादा, ये देखो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ, हमेशा ही ऐसे ही पब्लिक रहती है। गाइस यहाँ पे गोपियाँ डांस कर रही है, वो देखो ना। ये है डांस गोपियों का, हाँ ये रात में जो करीब 6-7 बजे डांस करती है, मतलब घूमती है सब राउंड राउंड। और ये हाँ ये सब राउंड घूमते हैं, यही तो डांस करते हैं। तो वो अभी दिन में नहीं चल रहा है रात देखने के लिए, अब मेरा पहले वाला व्लॉग देखिए, वृंदावन वाला, प्रेम मंदिर वाला, बहुत सही है वो। और ये है जी ये अर्जुन और कृष्ण जी, अर्जुन और कृष्ण जी, ये महाभारत वाला सीन बहुत अच्छे। और ये है गाइस, ये मेरे को भी नहीं पता क्या है, शायद
गाय चराने गए हैं, पता नहीं क्या। ये देखिए, ये सब गाय चराने गए हैं। सो गाइस, हम उस तरफ घूम के अब इस साइड आए हैं। और ये क्या लेकर का करीब पल्लू, अरे तू एक बार बात कर, पता नहीं क्या लिखा, करीब पल्लू लिखा था शायद, पर सही लिखा था, अच्छा लग रहा। और अब हम जा रहे हैं गोवर्धन जी के पास। ये जी गोवर्धन जी, यहाँ पर भी गोवर्धन जी का ये बना रखा, बहुत सही बना रखा है। फाउंटेन वगैरह भी चल रहे हैं। कृपाल लिखा हुआ था वो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, ये रहा कृपाल। ये है जी गोवर्धन जी। अरे ले, लेट हो गए ना, पानी बंद हो गया शायद, लाइट चली गई इस वजह से पानी बंद हो गया। वरना पानी आ रहा था बढ़िया ना, पानी हो गया बंद। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब मम्मी कर कर, और ये इस साइड से ऐसा मंदिर, बहुत सारा मंदिर। तो गाइस, ये है मंदिर और यहाँ से एंट्रेंसेस का, और अंदर शायद वीडियोग्राफी अलाउ है नहीं। सो शूज़ हम यहाँ उतारेंगे और अंदर जाएंगे दर्शन करके फिर निकलते हैं बाहर। और बाकी का जो ये बना रखा है, ये मैं आपको मंदिर के अंदर से आकर फिर दिखाऊंगा। और बहुत अब मौसम ठीक हो गया, पहले तो गर्मी हो रही थी, अब मौसम ठीक है। एक बार मेरा भाई पता नहीं कहाँ रह गया, उसको आने दो, फिर जाऊँगा मैं अंदर, अब तक यहीं बैठते हैं। तो गाइस, हमने जूते उतार दिए हैं। और कैसे गर्म लग रहा, बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तेरे को, पैरों में गर्म लग रहा है? हाँ, तो हमने जूते उतार दिए, अब हम जाएंगे अंदर की साइड। ये यहाँ से एक बार वहाँ बैठ जाते हैं, इनको आने दो भैया को, फिर जाएंगे। कहाँ पे है वैसे वो, चल एक बार ऊपर चल रहे हैं। सो गाइस, हमें भगा दिया गया यहाँ से, और ये टाइमिंग ये है, ये टाइमिंग है, हम 4:30 बजे वापस खुलेगा, और अभी के 12 बजे बंद हो जाएंगे पट जो है, 12 बजे बंद हो जाते हैं। तो अभी टाइम हो गया है पट बंद होने का, और हम जा रहे हैं वापस बाहर। और हो सके तो 4:30 बजे वापस आएंगे, पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये जो भी है ये देख लो, ये अच्छा बना रखा सब जगह, बहुत सुंदर बना रखा। और यहाँ पे स्लोगन भी लिख रखे हैं, ये देखो भीड़। ये जो पतराम का पत्थर लेके जो तैर रहे थे वो पानी में, ये तैर रहे हैं, ये पानी में तैर रहे हैं पत्थर। और भाई ये देखो मंदिर, भाई क्या सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये भाई सीटी नहीं बंद कर रहे, भगा रहे हैं यहाँ से अभी के लिए, तो निकलो। और ये है फ्रंट का, ये शायद तीन तरफ से, चारों दो तरफ से एक जैसा ही है। और ये यहाँ से एग्जिट होते होते यहाँ पे ये वाला मंदिर, बहुत ही सुंदर बना रखा इस मंदिर को। आप भी आइए और दर्शन कीजिए भगवान के, और मैं पूरा एंजॉय करोगे। आप आओगे तो पूरा मतलब पैसा वसूल, दुखी नहीं होगे कि हाँ भाई यहाँ पे आके हम पछता गए। वैसे भगवान का है, वैसे तो है नहीं कि भाई पैसा वसूल के लिए आए, बट फिर भी आओगे तो अच्छे ही दर्शन मिलेंगे आपको। सो निकलते हैं अब गेट से बाहर, और कुछ लेते हैं प्रसाद वरसाद घर के लिए, और पता नहीं अब क्या घर जाएंगे, अभी डिसाइड होएगा, अभी घर का पता नहीं। सो गाइस,
हमने आइसक्रीम खरीद ली है और खाएंगे, और हमने पेड़े भी ले लिए, पेड़े ले लिए, और अब शायद पार्किंग की साइड निकलेंगे। क्या तेरे को भी आइसक्रीम खानी है? जाओ लो आइसक्रीम लो। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, हम आ चुके हैं पार्किंग में और हमारी हालत बहुत हो गई है ख़राब, थक चुके हैं। ये देखो आनंद, आनंद अनमोल भी थक चुके हैं इनकी अभी। तेरे अनमोल कैसे पैर की हालत? बहुत बुरी हो गई है ना। सो अभी पार्किंग से गाड़ी निकालेंगे भैया और हम जाएंगे गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी लेके निकलेंगे यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। बट रास्ते में वो जो वैष्णो देवी का मंदिर देखा था सुबह, उसमें जाएंगे। इधर देख, उसमें जाएंगे ना, हाँ तो घूम के आएंगे उसमें। ये है मेरा, हाँ, एक ही, ये सब की फोटो ही घूमना चाहिए। और ये है मेरे भाई का, ये है पागल। हाँ हाँ हाँ, चलो मिलते हैं वैष्णो देवी के मंदिर में। गाइस अपनी कार आ चुकी है और हम बैठते हैं इसमें, और थक चुके हैं भाई आज बहुत। सो गाइस, ये राजी वैष्णो देवी का मंदिर, और क्या प्यारी मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है। अभी देखते हैं मंदिर खुला हुआ, थोड़ा चल जाएंगे 5-10 मिनट और दर्शन कर आएंगे माता का। ये रिजी माता जी, ये देखो बहुत अच्छी मूर्ति है, बहुत सुंदर, देखने क्या सीन हो रहा। नहीं है जी, गेट बंद है, यहाँ भी पट बंद हो गए हैं, सो हमें बिना देखे ही जाना पड़ेगा। ये लेकर का माँ वैष्णो देवी धाम। सो गाइस, हम वृंदावन से एग्जिट करके दिल्ली आगरा वाले जो एक्सप्रेस वे है उस पर जाएंगे, और हम सीधा दिल्ली जाएंगे। हाँ ये देखो जी मेरा वृंदावन, क्या प्यारा लग रहा। बट वृंदावन का हम कह रहे हैं बाय बाय, और बहुत ही जल्द वापस आ सकते हैं, तो देखते हैं आगे। अभी तो चलते हैं हम एक्सप्रेस वे पे घर के लिए। सो गाइस, हम आ चुके हैं दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे पे, और ये सीधा हमको दिल्ली लेके जाएगा, और हमें लगेंगे यहाँ से करीब 3 घंटे, 3 घंटे तो लगेंगे लगेंगे, या फिर 3.5-3 घंटे तो लगेंगे। तो अभी बज रहे हैं 2, तो हमें 5 बजे तक शायद घर पहुँच जाएंगे। सो गाइस, हम आ गए हैं कोसी टोल पे, और ये 90 रुपये का टोल है शायद, इसको पार करके अब जाएंगे पलवल वाले टोल पे, पलवल टोल आएगा आगे। मेरे को तो नींद आ रही बहुत बुरी तरह, चलो सोते हैं। गाइस, कोसी के आगे एक सीएनजी पंप है, वहाँ से सीएनजी भरवा रहे हैं, क्योंकि अपने गाड़ी में सीएनजी थी कम, भरवा के फिर निकलेंगे आगे। आप मेरे पैर तो सूज गए, हाँ ये मेरे पैर सूज गए, चला नहीं जा रहा भाई। अब यहाँ से 90 किलोमीटर और है अपना दिल्ली, और देखो कितना टाइम और लगता है। देख रही गाड़ी कैसे चल रही है, सुई सू चल रही है गाड़ियाँ, मौसम इतना मस्त हो रहा भाई, क्या मस्त मौसम हो रहा, हाय हाय स्वाद आ गए। ऐसे मौसम में तो मैं कहीं भी घुमा लो मुझे, कहीं भी चला लो, पर मेरे पैरों में भी दर्द हो गया है, क्योंकि पूरी 11 किलोमीटर की हमने वो करी थी परिक्रमा, इसकी वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा बहुत। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, चेंज भरवा के वापस निकल चुके हैं अपने रास्ते पे, अपने डेस्टिनेशन, यहाँ से 90 किलोमीटर है दिल्ली, ये देखो यहाँ से 90 किलोमीटर है, और पल वाला 30। सो मिलते हैं आपको घर जाके अब सीधा। इस लगता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है, होटल सिटी के आसपास है, होटल नू में, और तालाब भर गए यहाँ। मैं ये हाईवे बताए भाई, ऐसा हाईवे हो तो रोड क्या होता फिर भाई, इतना पानी, इतना पानी, बहुत ज़्यादा पानी भर गया भाई यहाँ।
गाइस मैंने फरीदाबाद वाले रोड पे ले ली थी गाड़ी, मतलब भाई ने ले ली थी, और हम आ गए इस मंदिर पे। और बहुत ये बहुत बड़ी मूर्ति है भाई, बहुत सही लग रही थी, बहुत सही। तो अब जाते हैं मंदिर के साथ, चलें मंदिर में, चलें मंदिर में चलेगा, यहीं से फोटो काटा कर देते हैं। अरे यार हाँ, पैर में वैसे दर्द हो रहा है मेरे बहुत ज़्यादा। चल ठीक है, चल आनंद। तो गाइस अभी बज गए हैं 5:11 और हम आ गए हैं घर पे। हमने गाड़ी खड़ी कर दी और भाई लोग रास्ते में हो रही थी बारिश, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो गए और हमें लगे करीब 3:11 घर पे आने में। हाँ तो सबकी हालत ख़राब है क्योंकि परिक्रमा करी थी पैदल, उसकी वजह से। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग, इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए।